देखो यार, मैंने दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को देखा है। सबसे पहले जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अंदर लाए और अपने ड्रीम कॉलेजेस एंड ड्रीम यूनिवर्सिटीज के अंदर उन्हें एडमिशन मिला, एंड उसी के साथ साथ मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को देखा है जिनका बहुत ही कम स्कोर आया एंड उन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी एंड किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाया। एंड गाइस, जिस पर्टिकुलर कैंपस में मैं अभी हूँ एंड उसी के साथ साथ जिस कॉलेज में मैं अभी हूँ, उस पर्टिकुलर कॉलेज की क्लासेस में जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, उनका भी सीयूटी के अंदर स्कोर पता चलता है 770 एंड 780 है। नाउ इस तरीके के जब क्राउड से बातचीत करने को मिलती है, जब मैं अपने आप में भी अंदर देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इन सभी स्टूडेंट्स के अंदर जिन्होंने सीयूटी ही नहीं बट बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, उनके अंदर एक चीज कॉमन होती है एंड वो होती है कि उनको टाइम टेबल बनाने की कला आती है। एंड इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उन्हें टाइम टेबल फॉलो करना आता है। एंड देखो यार, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में ऐसे आपको नहीं बताने वाला हूं कि इतने से इतने बजे तक ये पढ़ो, इतने से इतने बजे तक ये पढ़ो, बिकॉज आप सभी स्टूडेंट्स का अपना एक अलग टाइम टेबल होता है। कुछ होते हैं जो नाइट आउल्स होते हैं एंड कुछ होते हैं जो अर्ली राइजर्स होते हैं। इन दोनों के लिए एक अलग टाइम टेबल बनता है, कोई जनरल टाइम टेबल हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को टाइम टेबल, सबसे बेहतरीन टाइम टेबल एंड उसको फॉलो करने वाला टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, ये मैं आज आप सभी को सिखाने वाला हूं। एंड गाइस, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, सो माय नेम इज खुशांक माथुर। आई हैव माइसेल्फ क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड उसी के साथ साथ 2023 के अंदर मैंने थाउजेंड्स ऑफ सीयूटी एस्पिरेंट्स को मेंटोर किया है, गाइड किया है। नाउ गाइस, अगर आप भी एक सीयूटी एस्पिरेंट हैं, तो इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वालिटी, नो टाइम वेस्टिंग एंड डाउट सॉल्विंग कॉन्टेंट रिलीज हो रहा है। इफ यू आर अ सीयूटी एस्पिरेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड गाइस, अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नाउ इस वीडियो के अंदर गाइस, हम लोग आप सभी की बहुत ही सारी रियलिस्टिक बातों को डिस्कस करने वाले हैं एंड उसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। नाउ एक बहुत ही ब्यूटीफुल से एग्जांपल मैं आप सभी को देता हूं टाइम टेबल के बारे में। नाउ जैसे एक पर्सन है एंड एक पर्सन को अगर हेल्दी होना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्दी फूड खाना पड़ेगा। नाउ एक हेल्दी फूड कैसे बनता है, आप सभी बिल्कुल सही मात्रा में, क्या बोला मैंने, बिल्कुल सही मात्रा में जब आप लोग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तब जाके आपका एक बहुत ही हेल्दी फूड बनता है एंड उस फूड को आप लोग खाते हैं, आप लोग एक हेल्दी पर्सन बनते हैं। सिमिलरली आप सभी का होता है टाइम टेबल। अगर आप लोगों ने अपने टाइम टेबल के अंदर बिल्कुल सही मात्रा में अपने सब्जेक्ट्स को टाइम दिया एंड अगर आप लोगों ने अपने उस पर्टिकुलर टाइम टेबल को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली एंड गारंटी से बोल सकता हूं कि आपको कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं रोक सकता है आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को बहुत ही इजीली क्रैक करने में। नाउ एक बहुत ही बेहतरीन टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो आप सभी को पता होनी चाहिए वो है प्रायोरिटीज। नाउ ऐसी कौन सी चीज है यार जिसको मुझे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए एंड ऐसे कौन सी चीज है जिसको मुझे थोड़ा कम प्रायोरिटी दूंगा तो भी मेरे लिए चल जाएगा। सो एक बेहतरीन टाइम टेबल बनाने के लिए आप सभी के लिए मेरी तरफ से सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूल रहेगा, सेट योर प्रायोरिटीज। नाउ अभी के अभी गाइस, एक आप सभी पेपर लीजिए, प्लीज लीजिए, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट मानिए। नाउ एक पेपर लीजिए, एक पेपर के अंदर आप एक कॉलम बनाइए वीक सब्जेक्ट्स एंड सेकंड बनाइए स्ट्रांग सब्जेक्ट्स। अब थोड़ा सोचिए, कॉन्टेम्पलेट करिए कि यार सबसे मुझे वीक सब्जेक्ट कौन से लगते हैं एंड यहाँ पे लिखिए सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से लगते हैं। नाउ ये कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा मुझे वीक लगता है एंड कौन सा मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है, आप ऐसे इमेजिन करिए कि यार अचानक से स्कूल की तरफ से आ जाता है, अचानक से एनटी की तरफ से आ जाता है कि आपका दो दिन के बाद ये पेपर है। नाउ अब आपको ये पता करना है कि यार मैं एक दिन के अंदर ऐसा कौन से सब्जेक्ट है जिनको तो बहुत इजिली प्रिपेयर कर लूंगा, वो आ जाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग के अंदर। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि यार एक दिन में तो मुझसे कुछ भी प्रिपेयर उसका हो नहीं पाएगा, एकदम से मैं एंजाइटी से भर जाऊंगा, मुझे तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होगा, उसको आप लोग वीक कैटेगरी में डाल दीजिए। नाउ गाइस, ये चीज तो तुम सभी को डिसाइड करनी पड़ेगी कि तुम्हारे ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो तुम्हें वीक लगते हैं एंड तुम्हें स्ट्रांग लगते हैं। बट इतने सारे सीयूटी एस्पिरेंट से बात करके, उन सभी को मेंटोर करके, जो मुझे एक आइडियल सीयूटी एस्पिरेंट को ऐसे कौन से सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगते हैं, मैं उसके एक लाइनअप आपको प्रोवाइड कर देता हूं। पॉसिबली आप सभी को भी थोड़ा सा लगे कि हाँ यही मुझे भी डिफिकल्ट लगते हैं। सो एक बेसिकली ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है ज्योग्राफी, देन लगता है हिस्ट्री एंड देन लगता है पॉलिटिकल साइंस। सिमिलरली कॉमर्स के स्टूडेंट को ज्यादा डिफिकल्ट लगता है अकाउंटेंसी, देन उसको लगता है इकोनॉमिक्स एंड एट द लास्ट लगता है बिजनेस स्टडीज। एंड एक साइंस के स्टूडेंट को ज्यादा डिफिकल्ट लगता है फिजिक्स, देन उसको लगता है मैथमेटिक्स एंड देन लगता है केमिस्ट्री एंड एट द लास्ट लगता है बायोलॉजी। नाउ ये चीज गाइस आप लोग अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं। जो मैंने इतने सारे सीयूटी एस्पिरेंट से बात करी है उसमें यही डिफिकल्टी मेट्रिक हमें पता चला है।
ना मेजरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यार जिन जो भी सब्जेक्ट बच्चों को पसंद है वही पूरे पूरे दिन भर पढ़े जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को बायोलॉजी पसंद है सो पूरे दिन बायोलॉजी पढ़ा जा रहा है, किसी को पॉल साइंस पसंद है सो पूरे दिन पॉल साइंस पढ़ा जा रहा है, किसी को बिजनेस स्टडीज पसंद है सो पूरे हफ्ते बिजनेस स्टडीज ही पढ़ता रह गया। नाउ ये चीज तो गाइस आप लोगों ने भी ऑब्जर्व करी होगी कि जो भी मेरा स्ट्रांग सब्जेक्ट है यार मैं तो उसी को ज्यादा टाइम दिए जा रहा हूँ, जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उस पर तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। नाउ गाइस यहाँ पे मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, इसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों को आपके आगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। देखो यार आपका जो सिलेक्शन होता है ना किसी भी फील्ड के अंदर वो कोई एक सब्जेक्ट कभी नहीं दिलाएगा, आपको तीनों सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर करना पड़ेगा कहीं पे भी सिलेक्शन पाने के लिए। नाउ अब आप सभी का क्वेश्चन होगा कि भाई हम किस तरीके से अपने सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छी तरीके से डेली बेसिस पे ध्यान दे सकते हैं। इसके लिए यार एक रूल आता है जिसका नाम है 50-30-20 रूल, जिसको मैंने भी फॉलो किया है। नाउ ये रूल क्या कहता है कि गाइस आप लोगों को जितना भी टाइम आप लोग एक दिन के अंदर अपने पढ़ाई करने के लिए अलॉट कर रहे हैं उसमें से आप सभी को 50% टाइम देना चाहिए अपने सबसे ज्यादा वीक सब्जेक्ट के ऊपर, 30% टाइम आप सभी को देना चाहिए अपने सेकेंड वीक के सब्जेक्ट के ऊपर एंड 20% टाइम आप सभी को देना चाहिए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर। नो ऐसा कभी मत करिएगा कि जो भी आप लोगों को लगता है कि यार ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है इसके ऊपर आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में जाके आप सभी का ये जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है यही कहीं आपको वीक सब्जेक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, ये आपके लिए साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए 20% टाइम आप सभी को अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के ऊपर भी अलॉट करना पड़ेगा। नाउ सभी स्टूडेंट्स का यार ये क्वेश्चन रहता है हाउ मेनी आवर्स शुड वी स्टडी। नाउ भैया ये बता दो हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, कितने घंटे पढ़े, जल्दी बता दो आप। नाउ गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को ना मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाने में हेल्प करना चाहूंगा। आप में से ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे 10-12 घंटे का टाइम टेबल बना लोगे, एक दिन गलती से फॉलो हो गया तो पूरे एक हफ्ते मन के अंदर चलता रहेगा कि यार वो एक दिन मैंने फॉलो किया था, अब आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं आएगा अगले 6 दिन काम करने के लिए। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग अपने लिए एक बिल्कुल रियलिस्टिक प्लान बनाए। नाउ इस समय पे गाइस तुम लोग डेफिनेटली स्कूल भी जा रहे होंगे एंड कई बच्चे ऐसे होंगे जो कोचिंग भी जा रहे होंगे। नाउ बिल्कुल रियली एंड बिल्कुल रियलिस्टिकली अगर मैं बताऊं कि अगर आप अपने स्कूल भी जा रहे हैं एंड अगर आप अपने कोचिंग भी जा रहे हैं तो आप सभी को मिनिमम टू मिनिमम 4 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे सेल्फ स्टडी के ऊपर। बट ज्यादातर सीयूटी एस्पिरेंट्स जहां तक मैंने देखा है कोचिंग लेते नहीं है। नाउ गाइस अगर आप लोग इंग्लिश या जीटी के लिए कोचिंग लेते हैं सो मेरी तरफ से ओके कि चलो ठीक है, इंग्लिश जीटी बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है उसके लिए आप कोचिंग ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप में से कोई भी बच्चा डोमेन्स के लिए कोचिंग ले रहा है ना तो इतना मेरी आंखों में आपकी अच्छी इमेज जाएगी नहीं, बिकॉज मुझे ये लगेगा कि आप लोग एक बेसिक एनसीईआरटी रीडिंग भी नहीं कर सकते डोमेन्स के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए। डोमेन्स इतना डिफिकल्ट आता नहीं है, एनसीईआरटी की अच्छी रीडिंग करनी है बस इतना मोर देन इनफ होता है। हाँ इंग्लिश जीटी के लिए आप लोग डेफिनेटली कोचिंग देख सकते हैं। सो जितने भी बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं उनके लिए अगर मैं रियली एंड रियलिस्टिकली बोलूं तो गाइस आप लोगों को मिनिमम 7 आवर्स तो सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं भाई घंटों पे ध्यान मत दो, घंटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट पे ध्यान दो। नाउ गाइस आउटपुट लाने के लिए भी ना आप लोगों को बैठना पड़ेगा, एकदम से आप बैठेंगे आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा फिर जाके आप लोगों का आउटपुट आएगा। ना मेरा क्या टाइम टेबल था, मैं बेसिक सी चीज आप सभी को बता रहा हूं, इसके अंदर बहुत डिटेल होती थी। आगे जाके मैं आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं दैट टाइम टेबल दैट आई यूज टू क्रैक सीयूटी, अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। बट बेसिक टाइम टेबल जो मेरा रहता था लेट मी टेल यू अबाउट दैट। सो 8 से 2 बजे तक तो यार हमारा स्कूल रहता था, फिर उसके बाद 3 से 5 मतलब एक घंटा रेस्ट लिया, खाना खाया एंड देन रेस्ट लेके वापस आए एंड 3 से 5 मेरा रहता था कि जो मेरा क्लास 12th का पढ़ाई है ना मैं इसके ऊपर अभी ध्यान दे लेता हूँ। सो 2 घंटे यहाँ पे आराम से फिक्स रहते थे कि क्लास 12th पे ध्यान दिया जाए, फिर उसके बाद 1 घंटा रेस्ट जहाँ पे थोड़ा चाय पी लिया एंड थोड़ा अपने सिबलिंग के साथ खेल कूद लिया, बातचीत कर ली, फिर उसके बाद 1 घंटा वापस बैठे एंड देन यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया, वोकैबुलरी पढ़ लिया, ग्रामर पढ़ लिया, इन चीजों पर ध्यान दिया। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, 1 घंटा फिर हो गया आपका रेस्ट। ना 7 to 8 का टाइम मैं लीव रखता था बिकॉज यहाँ पे मेरे घर में मंदिर है तो मैं जाके पहले पूजा करता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, फिर उसके बाद वापस पढ़ने पे आए। सो 8 से 9 का टाइम मेरा रहता था कि यार मैं थोड़ा जनरल टेस्ट के ऊपर फोकस करूं, फिर उसके बाद मेरा आता था 10 से 12 का स्लॉट, इसके अंदर ये रहता था कि यार मैं थोड़ा डोमेन्स के ऊपर फोकस कर लूं जैसे एनसीईआरटी रीडिंग कर लूं, या फिर अगर मेरा जनरल टेस्ट का टारगेट उस 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे उस पर ध्यान दे लूं, इंग्लिश का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे उसके ऊपर ध्यान दे लूं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा वो है मेरा 12 से 1 का स्लॉट हमेशा रहता था मॉक टेस्ट सॉल्व करने में, हमेशा लाइक डेली बेसिस पे मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करता था एंड 3 फॉर्मूला जो मैं अगर आपको बताऊं दैट इज मेरा पर्सनल
पीआरपी फॉर्मूला को मैंने हमेशा यूज किया है कई सारे एंट्रेंसेस को क्रैक करने के लिए, जिनमें से एक प्लेयर मेरा हमेशा स्ट्रांग रहा है वो है सॉल्विंग मॉक्स। नाउ मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, आई थिंक मैंने अपने सीयूटी एग्जामिनेशन से पहले 100+ मॉक्स को तो सॉल्व कर लिया था, जिसने स्पीड में बढ़ाने में मेरी हेल्प करी, एक्यूरेसी बढ़ाने में हेल्प करी। बट छोड़ो, मेरी बात नहीं करते, बट मेरी आपको यहां पर रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों को डेफिनेटली मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे सॉल्व करने पर ध्यान देना चाहिए। नाउ एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो ज्यादातर बच्चे अपने टाइम टेबल बनाने में करते हैं वो है स्लीप से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। भाई मैं इतने बजे तक पढ़ूंगा, 6 घंटे की नींद लूंगा, 5 घंटे की नींद लूंगा, लेकिन पूरे दिन मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। ये रियलिस्टिकली तो पॉसिबल है नहीं। आप लोग एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर उसके बाद बर्नआउट आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने जैसे अपने टाइम टेबल में दिखाया, मैं मिनिमम तो 7 आवर्स की नींद लेता था। आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अपने टाइम टेबल बैठ के बनाओ, बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओ। तो यहां पे मेरा ये रहता था कि यार मिनिमम 7 to 8 आवर्स की नींद तो लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वो माइंड रिफ्रेश नहीं रहेगा। जो जितने पूरे दिन जो मैंने पढ़ा है वो माइंड को डाइजेस्ट करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो स्लीप के साथ प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत करना, मिनिमम 7 to 8 आवर्स तो आपको सोना ही सोना है। नाउ आखिरी में यार मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, पॉसिबली कई बच्चों को हर्ट करे, बट स्टिल मैं आप लोगों को ये चीज बताता हूं आपकी कॉम्पिटिशन रियालिटी। ज्यादातर बच्चों का जो कॉम्पिटिशन है ना, ये लाखों बच्चों के साथ नहीं है। जो सीयूटी के अंदर 10 लाख बच्चे बैठेंगे, 12 लाख बच्चे बैठेंगे, इनके साथ गाइज आप जो सीरियस कैंडिडेट्स है ना उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है ये 10 लाख 12 लाख के नंबर से। बिकॉज ये जो लाखों की भीड़ है ना, इनका क्या मोटिव है, भाई वीडियो देखी, वीडियो बंद करी, बगल में YT शॉर्ट्स लिखा हुआ है, शॉर्ट्स पे क्लिक किया, 1-2 घंटे मस्त शॉर्ट स्क्रोल किया, एकदम से इंस्टाग्राम पे कोई पॉपअप आया, इंस्टाग्राम की रील स्क्रोल करी, बस इसी में ही इन बच्चों का ज्यादा टाइम निकल जाएगा, लाखों भीड़। लेकिन ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं ना, तो आपका जो एक्चुअल कंपटीशन है वो है सिर्फ और सिर्फ आप सभी का कुछ 1 या 2 हजार बच्चों के साथ, जो आप सभी की सीट नॉर्थ कैंपस की सीट को खींचना चाहते हैं, खुद आपके आपसे ऊपर निकलना चाहते हैं। तो आपका कंपटीशन ये लाखों की भीड़ के साथ नहीं, बट कुछ सीरियस 1 या 2 हजार बच्चों के साथ है। सो ये कॉम्पिटिशन को देख के गाइस बिल्कुल डरने की बात नहीं है, कुछ 1-2 हजार बच्चे हैं, लेकिन ये सीरियस बच्चे हैं जो अपना दिन रात लगाने के लिए रेडी हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सो सबसे पहला काम क्या करना है, बैठो अपना टाइम टेबल बनाओ, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, जो आपको हेल्प करेगा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। ये अगर 3 पिलर्स हो गए तो आप लोग सीयूटी को क्रैक करोगे, नॉर्थ कैंपस में आओगे, मुझसे मिलोगे। एंड देन गाइस आखिरी में ये मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज इस तरीके के क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।